खरगोन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खरगोन में विभिन्न आयोजन कर महात्मा गांधी को याद किया गया। नगर पालिका खरगोन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रवि जोशी सहित भिकनगांव विधायक झूमा सोलंकी, कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जन जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इस जन जागरूकता अभियान में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार सहित कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाल कर स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को और फुटकर व्यापारियों को कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया। वहीं सांसद ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों को लेकर जो सपना गांधी जी ने देखा था उसे साकार करने के लिए वर्तमान की सरकार काम कर रही है। उन्हीं कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक गांव-गांव शहर-शहर जाएंगे और आज 2 अक्टूबर से पूरे देश में यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो जनवरी तक चलेगी और देश स्वदेशी अपनाए का नारा देंगे और देश को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज वाले विषय में क्षेत्र में लंबे समय तक दूसरों की सरकारें रही हैं और कई प्रकार के भारी भरकम मंत्री भी रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का गौरव है जिन्होंने हमारे आवेदन निवेदन को स्वीकार किया और उनका ये लक्ष्य है कि जो पिछड़े जिले हैं उसको मेडिकल कॉलेज दिया जाए और संभवतः अपने जिले को भी सौगात मिलेगी मेडिकल कॉलेज को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।